अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वक्त आप मौजूद हैं टेक्निकल मियां पर और मेरा नाम है मियां मोहम्मद ताहर। एक दफा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो YouTube की नई अपडेट क्या है, ये आज आप डेट देख लें, डेट क्या है आज की, ये नई अपडेट आई है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आप अपने ही चैनल पर खुद से अपनी वीडियो देख रहे हैं तो ये काम दोस्तों बंद कर दें, क्योंकि YouTube ने सख्ती से मना कर दिया है। आप अपनी एड्स जो, क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके चैनल पर एड्स आते हैं, लोग वो एड्स देखते हैं, उन एड्स के पैसे YouTube आपको पे करती है। तो अगर आप अपने चैनल पे खुद से वो एड्स देखने लगेंगे आपका चैनल खत्म कर दिया जाएगा, YouTube आपका चैनल हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये दोस्तों आपकी मेहनत रायगा जाएगी। प्लीज जो दोस्त ये काम करते हैं, जिसका मैं तो आपको यही कहूंगा, जो मोनेटाइज है या जिसका भी चैनल मोनेटाइज नहीं, ये दोनों के लिए अपडेट है। आप अपनी वीडियो अगर पहले आप देख रहे थे बिल्कुल बंद कर दो। दूसरी बात, जो नया यूट्यूबर है वो बार बार YT स्टूडियो खोलकर अपनी वीडियो का रिजल्ट चेक करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था मैं भी बार बार YT स्टूडियो ओपन करके देखता था क्या बना क्या बना क्या बना। अगर दोस्तों आप इस तरह कर रहे हैं ये भी काम बंद कर दें। इस चीज का भी YouTube पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आपने करना क्या है, आपने वीडियो बना दी, वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दी, उसे पब्लिक कर दी। पब्लिक करने के आपने डेढ़ या दो घंटे बाद एक दफा वीडियो को देखना है, उस पर व्यूज आए हैं या नहीं आए। अगर वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं छोड़ दें उसे, अगर आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे आप देखें आपकी वीडियो का टाइटल नहीं अच्छा, तो आप उसका टाइटल चेंज करके दोबारा उसे पब्लिक करें। अगर आपको लगे कि आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं है तो दोस्तों फिर एक दफा उस वीडियो को अनलिस्टेड करें। अनलिस्टेड करने के बाद उसका थंबनेल चेंज करें, थंबनेल चेंज करने के बाद फिर उसे पब्लिक कर दें। ये तीन दफा आप कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो कामयाब हो जाए, चल रही है तो उसे चलने दे, अगर नहीं चल रही आप उसका थंबनेल चेंज करें, इंशाल्लाह उसके वायरल होने के बहुत चांस है। अगर उसका थंबनेल चेंज किया फिर भी नहीं वायरल हुई आपकी वीडियो, आप उसका टाइटल चेंज कर दें। इंशाल्लाह ये दोनों में से कोई भी आप करते रहेंगे तो आपकी वीडियो जरूर चलेगी। हाँ, अगर आपने इंग्लिश में टाइटल लिखा है तो आप उर्दू में भी उसे कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, बार बार YT स्टूडियो, प्लीज जो नए यूट्यूबर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार YT स्टूडियो खोलकर अपने रिजल्ट को चेक ना करें क्या बना। आपने वीडियो पब्लिक कर दी, आप उसे छोड़ें, आप अपनी नई वीडियो बनाने की तैयारी करें। अब उस बात को आप भूल गए, आपने कर दी सो कर दी, बस यही एक दो काम करने जो मैंने आपको बता दिए। तो जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें इस चैनल से इस तरह के बहुत आपको आइडियाज मिलेंगे, आपको मालूमात हासिल होगी, आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम का पता चलेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब पर इंप्रेशन कैसे बनता है, यूट्यूब किस तरह आपको वायरल करेगा। यूट्यूब ने खुद आपको वायरल करना है, आप काम अच्छा करें यूट्यूब खुद आपको वायरल करेगा। आपके ना तो YT स्टूडियो बार बार खोलने से आप वायरल होंगे। आप कह रहे हैं ना कि आप खुद से देखकर अपने व्यूज बना ले, तो ये गलत काम है। इस चीज का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, या इस चीज के आपके चैनल पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर ये पहले आप कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। सिर्फ हम मेहनत करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए हमें मेहनत करनी होगी। इस वक्त हमें मेहनत की जरूरत है, दिन रात आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा इंशाल्लाह। और आपको मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा ईमान है इंशाल्लाह ताला। तो आप मेहनत करें, अच्छा काम करें, उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको फल उसका जरूर मिलेगा। इसी बात पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।